उस दिन क्या पढ़ा था हमने? आज फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? मानव दांत यानी कि ह्यूमन टीथ के बारे में, इंसान के जो दांत होते हैं उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हर किसी चीज की पढ़ाई होती ना, जैसे हमारे शरीर के बारे में, हमारा शरीर बना कैसे है उसकी जो पढ़ाई करते हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? हमारे शरीर के अंग काम कैसे करते हैं उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को क्या बताया था, क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। वैसे ही दांत के अध्ययन को या दांत के बारे में जो पढ़ा जाता है, स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ टीथ, या दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। फिर सबसे बात होती है कि बना किस चीज का होता है, ये कठोर ऊतक का बना होता है, हार्ड टिश्यू का बना होता है। किसका? हार्ड टिश्यू, कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू। देखो टिश्यू से एक चीज समझो, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? पहले शरीर में क्या बनी? कोशिका। फिर कोशिकाओं के ढेर सारे गुच्छे, क्या? कोशिकाओं का समूह की बात कर ले, इन कोशिकाओं का समूह जब बनता है तो समूह से क्या बनता है? ऊतक बन जाता है। फिर ऊतक के समूह से क्या बन जाते हैं? हमारे अंग बन जाते हैं, और अंग के समूह से क्या बन जाता है? हमारा शरीर बन जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारा बॉडी फॉर्मेशन होता है। हमारा शरीर बनता कुछ ऐसे ही, पहले शरीर में हमारे सेल बनते हैं, फिर ढेर सारे सेल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह बंडल में आ जाते हैं, तो वो ऊतक का निर्माण करते हैं, टिश्यू का। फिर ढेर सारे टिश्यू मिलकर के हमारे शरीर के एक अंग का निर्माण करते हैं, फिर वही अलग अलग अंग मिलकर हमारा हाथ पैर आँख नाक मुंह ये सब मिलकर के क्या बना देते हैं? हमारा शरीर बना देते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये ऊतक शब्द वहीं से आया है, ठीक है। ऊतक किसके बने होते हैं? ढेर सारी कोशिकाओं के। तो ये कठोर ऊतक का बना होता है, हार्ड टिश्यू का बना होता है, क्या? हमारा दांत या हमारा टीथ, ठीक है। और वो जो कठोर ऊतक होता है, वो जो सबसे हार्ड हमारा जो दांत होता है ना, देखो ना, काफी स्ट्रांग होता है। अखरोट तोड़ डालते हैं, गन्ना चूस लेते हैं, तोड़ फोड़ करता है ना दांत, हमारी चीर फाड़ करता है ना, तो वो एक्चुअल में इनेमिल एक बहुत तगड़ा और बहुत कठोर पदार्थ होता है। हमारे दांत की जो ऊपर की लेयर होती है, दांत दिख रहा है ना, इस दांत में हमारे जो ऊपर की परत होती है, ठीक है, इस परत पे ही क्या होता है? इनेमिल होता है। क्या होता है? इनेमिल होता है, ध्यान रखना। और ये इनेमिल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर हिस्सा या कठोर पदार्थ होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो क्या होगा? इनेमिल होगा। और वो इनेमिल कहाँ मिलता है? हमारे दांत की ऊपरी परत पर, ठीक है। इसी की वजह से दांत हमारा सख्त होता है, सफेद बाहरी आवरण होता है, जो ऊपरी परत होती है दांत की, वही इनेमिल होता है। और इसकी वजह से हमारा दांत कैसा हो जाता है? सख्त हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और किस कलर का इनेमिल होता है? व्हाइट कलर का होता है। दिख रहा है ना सामने लेयर कैसी चढ़ी है? व्हाइट कलर की इनेमिल की लेयर चढ़ी है। यह अधिकतर कैल्शियम और फॉस्फेट से बना होता है। मैक्सिमम जो इनेमिल होता है उसमें कौन कौन से तत्व तो पाए जाते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है। और जो खनिज की चट्टानें भी बहुत सी बनती है जो स्ट्रांग होती हैं, सबसे ज्यादा वो भी मैक्सिमम कैल्शियम फॉस्फेट की बनी थी। तो एक चट्टान की जैसा कठोर हो जाता, चट्टान समझते हो ना, एक रॉक, पहाड़ वाला जो पत्थर देखा है ना, चट्टान वाला, वो चीज, ठीक है। और हमारे जो दांत होते हैं, मतलब तो ये इनेमल होता है, जो दांत होता है उसका अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है। और ये जो डेंटाइन होता है बेटा, ये किससे संपर्क में होता है? ये हमारी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कहाँ होती है? हमारे मस्तिष्क में होती हैं। कहाँ होती हैं? हमारे मस्तिष्क में हजारों करोड़ों तंत्रिकाएं हैं, वो तंत्रिकाएं पूरे शरीर में गई हुई हैं, तभी तो दिमाग हमारा आदेश देता है कि सुनो उठो बैठो। तो तंत्रिकाएं क्या करती हैं? मैसेज लेके शरीर, मैंने बोला कि ये वाला पैर उठाओ, दिमाग ने बोला इस पैर को, इस हाथ को उठाओ, तो इतना सोचने में बोलने में उस तंत्रिका से कहाँ मैसेज गया? हाथ उठ गया।
समझ में आया? इस तरीके से हमारी ये काम कर देती, तुम्हारी डेंटाइन हो गई। डेंटाइन के थ्रू क्या पहुंचता है? मैसेज पहुंचता है नर्व्स में, तंत्रिका में। जब भी आप कोई ठंडा पदार्थ या आपके मसूड़े वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या होता है, कोई भी ठंडी चीज़ खाओगे तो बड़ी तेज़ झंझनाहट होती है यहाँ दिमाग में। वो दिमाग में झंझनाहट नहीं होती है, वो हमारी नर्व्स में झंझनाहट होती है, क्योंकि वो तंत्रिकाएँ कहाँ कनेक्टेड हैं, वो डेंटाइन का हिस्सा है, वो डेंटाइन से कनेक्ट है। हमारे दांत के अंदर जो डेंटाइन होता है उससे हमारी तंत्रिकाएँ, हमारी नर्व्स क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। तो अधिक तेज से ठंडा पी लो अचानक से तो दिमाग के यहाँ पर झंझनाने लगता है, सेंसिटिविटी होने लगती है ना। तो किस वजह से होती है? क्योंकि वो डेंटाइन का हिस्सा किससे कनेक्ट है? हमारी तंत्रिका से कनेक्ट है। और डेंटाइन किस का भाग है? हमारे दांतों का भाग होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? ठीक है, तो दांतों की अध्ययन को, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी कहलाती है। अब बात करते हैं, हमारे दांत के प्रकार भी होंगे कुछ, है ना? सारे दांत एक जैसे हैं क्या हमारे? कुछ चपटे हैं, कुछ नुकीले हैं, है ना? सारे दांतों का काम क्या है? अलग अलग होता है। चार प्रकार के बेसिकली हमारे दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं हमारे? चार प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है? सामने दिख रहा होगा, पहला होता है इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर जो दांत होता है, जिसको हिंदी में कृंतक कहते हैं, ये काटने के लिए काम में आता है। कोई भी चीज हमें काटनी हो, चॉकलेट खाई है, चॉकलेट को काट के खाते हैं ना, तो चॉकलेट कभी साइड में भर के काटती कि सामने से काटते हैं? तो ये हमारे जो सामने वाले चार दांत होते हैं, सॉरी चार नीचे चार ऊपर, ये किस काम में आते हैं? बाइट करने के काम में आते हैं। किसी को दांत काटना हो तो साइड से काटते हो कि बीच वाले से? किसी ने काटा है दांत किसी को? तो देखो उसने काटा है। कैसे काटता है? ऐसे साइड से कि एकदम बीच वाला ऐसे जबड़ा खोल के बस ऐसे दबा देते हैं ना। आपको डॉगी या कुत्ता दांत काटता है तो क्या करता है? सामने से काटता है। इंसान भी अगर दांत, हम तो इंसान के दांत की बात कर रहे हैं, हम चॉकलेट खाते हैं, हम खीरा खाते हैं, खीरे को काटना हो तो साइड में डालते हो कि सामने से मार के पहले खट्ट से अलग कर देते हो, है ना? फिर चबाने के लिए साइड में डालते हैं। तो काटने के लिए हमें कौन से दांत की जरूरत पड़ेगी? इनसीजर दांत की जरूरत पड़ेगी, जो कि मात्रा में कितने होते? चार नीचे और चार दोनों। आपके सामने वाले जो चूहे वाले दांत होते हैं ना, जिनको बोलते हैं चूहा वाला दांत, दो बड़े होते हैं, उसके बगल में दो छोटे भी होते हैं, ठीक है? तो टोटल इनकी संख्या आठ हो जाती है, ठीक है? फिर होते हैं तुम्हारे रदनक यानी कैनाइन। कैनाइन मैक्सिमम जानवरों के जैसे दांत होते हैं, हमारे भी साइड में देखोगे दो दांत होते हैं, ठीक है? नुकीले की तरह ये कुछ ऐसा दिखेगा कैनाइन, ये हिस्सा ऊपर रहता है हमारे दांतों में, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे रहता है ना। चुड़ैले दांत के बगल में देखो दो दांत है ना, ये क्या होते हैं? कैनाइन होती है, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। जैसे आप ये बेसिकली ये बने होते हैं मांसाहारी लोगों के लिए। किसके लिए ये दांत होते हैं? जो कैनाइन दांत जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मांसाहारी के लिए, जो मांस खाते हैं, ठीक है? अब इंसान भी तो मांस खाता है ना, मुर्गे का खाता है, बकरे का खाता है, और पता नहीं क्या क्या खा लेता है। तो जब उसकी हड्डी वाला हिस्सा आप लोग खाते हो तो उसको क्या करते हो? इन्हीं दांत के पास फंसा के चीरने का काम करते हो ना, हड्डी से मांस को अलग करते हैं इन्हीं दांत की सहायता से। बेसिकली ये दांत जानवरों में बड़े पाए जाते हैं, ठीक है? डॉगी के, कुत्ते के, शेर के, आगे की जो कैनाइन दांत होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं, क्योंकि वो शिकार करके खाते हैं, है ना? हम लोग पका के खाते हैं, वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, इसलिए उनके दांत बड़े होते हैं, ज्यादा अंदर जाएंगे तो खींच के फाड़ के निकाल लेंगे मांस। तो चीर फाड़ के लिए क्या काम आते हैं हमारे? कैनाइन दांत काम आते हैं। फिर अग्रचवर्णक यानी कि प्री मोलर दांत, हमारे प्री मोलर टीथ होते हैं, साइड में देखोगे गोल गोल टाइप के, यहां पर उसके बगल में दांत होते हैं हल्का, एक चौड़े वाले दांत के बगल में देखोगे प्री मोलर दांत होते हैं, ये टोटल आठ होते हैं, ये चबाने के काम में आते हैं, साइड में यहां पर होते हैं, है ना? तो ये तुम्हारे किसके काम में आते हैं? चबाने के। और फिर मोलर दांत भी होते हैं उसके पीछे साइड, वो भी आखिरी वाले जो दांत होते हैं पीछे के, वो मोलर होते हैं, वो भी किसके काम में आते हैं? चबाने के काम में आते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? ये हमारे कितने टाइप्स के टीथ हो गए? चार प्रकार के दांत हो गए हमारे। ये एक हो गया इंसीजर, इंसीजर काम आता है काटने के लिए, किसके काम में आता है? ये काटने के लिए, बाइट करने के काम में आता है, किसके काम में? बाइट करने के काम में आता है, ठीक है? कैनाइन टीथ जो होते हैं वो चीर फाड़ करने के काम में आते हैं, प्रीमोलर जो होते हैं वो भी चबाने के काम में आते हैं, और मोलर होते हैं वो भी चबाने के काम में आते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? आगे, अब हमारे शरीर में या हमारे मुंह में बेसिकली
एक उम्र के हिसाब से दो प्रकार के दांत आते हैं, एक होते हैं हमारे टेम्परेरी टीथ जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ जो हमेशा स्थायी रहते हैं, इसलिए उनको स्थायी दांत बोलते हैं। तो बात करते हैं पहले दूध के दांत की, टेम्परेरी टीथ की। तो टेम्परेरी टीथ यानी दूध के दांत की संख्या हमारे मुंह के अंदर कितनी होती है? 20 होती है। ये पूरी लाइफ स्पैन में दो बार होते हैं बेटा, एक बार आया ये 20 दांत दो बार निकलते हैं, एक बार जब बच्चा बड़ा होता है तब निकलता है, फिर वो दूध टेम्परेरी होते तो फिर वो सारे 20 दांत क्या होते हैं अपने आप गिर जाते हैं हिल हिल कर, तुम लोग के गिरे होंगे है ना, बोलते फिर उसको कल तो धूप में गाड़ दो, तकिया के नीचे रख लो, चूहे के बिल में डाल दो। कितने लोगों ने चूहे के बिल में डाला वो देख है, मैंने भी डाला था अपना चूहे के बिल में। तो ये जो दांत होते हैं ये कितनी बार उत्पन्न होते हैं हमारे मुंह के अंदर? दो बार पनपते हैं। कितनी बार पनपते हैं? दो बार पनपते हैं, ठीक है, दो बार पनपते हैं। एक बार गिर गए फिर दोबारा निकलते, फिर नहीं गिरते, फिर अगर गिर गया या लड़ाई हो गई या कहीं चोट लगी टूट गया तो दोबारा ना निकली। 14 साल 15 साल की उम्र तक जो दांत हिल डुल रहा है चलो वो गिर गया तो ठीक है अभी तुम लोग की उम्र में, लेकिन अब हम लोग की एज में आने के बाद दांत अगर गिर गया या टूट गया तो दोबारा नहीं निकलेगा। समझ में आया? ठीक। 14 से 15 वर्ष की उम्र तक दूध के दांत होते हैं जो कि तुम्हारी एज है अभी, है ना। फिर इनको हम दूध के दांत बोलते हैं, मिल्की टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की टीथ बोलते हैं। स्थायी दांत की बात करें तो ये टोटल कितने होते हैं? 32 हो जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं 16 साल से, ठीक है, 28 फिर 30 फिर 32 ऐसे करके हमारे 32 दांत निकल आते हैं। जीवन पर्यंत लाइफ टाइम तक जब तक हमारा शरीर जिंदा है, जब तक उसको जला ना दिया जाए तब तक वो दांत जिंदा रहते हैं, बचे हुए रहते हैं, ठीक है, क्लियर इतनी चीज। अब यहां पर दिया मनुष्य के पूरे जीवन काल में टोटल 52 दांत निकलते हैं। कितने भाई? एक बार मान लो 32 दांत हुए, उन 32 दांत में हमारे एक बार 20 दांत तो दूध के गिर गए, ठीक है, फिर दोबारा वो 20 दांत फिर निकले, तो 32 और 20 कितना हो गया? 52 हो गया। यानी पूरे जीवन काल में हमारे मुंह के अंदर टोटल कितने दांत निकलते हैं? 52, जिसमें से 32 20 एक बार गिर जाते हैं, जो कि कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं, ठीक है, समझ में आई इतनी चीज। आगे बढ़े, चलो इसको हटाओ। इनसीजर की बात करें भी बताई दिया मैंने, ठीक है, इनसीजर हमारे आगे के दांत होते हैं, ठीक है, कृंतक इनसीजर कहां के दांत होते हैं? हमारे आगे के दांत होते हैं, आगे के साइड जो हमारे टीथ होते हैं वो इनसीजर कहलाते हैं। इनका मेन काम होता है भोजन को पकड़ना, कैच करना, पकड़ना, काटना, ठीक है, उनको काटना कुतरना, ये सब काम कौन करता है? इनसीजर टीथ करते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी होती बेटा? 8 होती है, 4 नीचे 4 ऊपर। फिर इनको स्माइलिंग टीथ भी बोलते हैं, जब हम चीज करते हैं ना बड़ी फोटो स्माइल चीज ऐसे करके सेल्फी लेते हैं ना, तो यही दांत हमारे बाहर दिखते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्माइलिंग टीथ बोलते हैं। जब मुस्कुराते हैं, मुस्कुराओ सारे के सारे, देखें एक बार जरा दांत खोल के, ये देखो यही वाले दांत हमारे दिखाई देते हैं, ठीक है, इनको क्या, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? स्माइल टीथ बोलते हैं, मुस्कुराने वाले दांत बोलते हैं, ठीक है। हाथी के बाहर दिखने वाले दांत को भी कृंतक कहते हैं, ये दांत भी हमारे इंसीजर होते हैं, जैसे निकला हुआ है ना, ये भी हाथी का स्माइलिंग टीथ होता है, जब हाथी मुस्कुराता है तो ये दिखता है, हाँ, किसी में बड़े होते हैं टस्कर, ये मेल हाथियों में दांत पाए जाते हैं, हाथिनी के अंदर ये दांत नहीं मिलते, ध्यान रखना, इसको टस्क बोलते हैं, ये जो दांत है इसको क्या बोलते हैं? टस्क। इसीलिए हाथी को क्या बोलते हैं? जो क्या बोलते हैं, मतलब जो मेल एलिफेंट होता है, जैसे हमारे में मेल फीमेल होते हैं, आदमी औरत होती है, वैसे मेल जो आदमी होता है हाथियों का, उसमें जो दांत पाए जाते हैं उसको टस्क बोलते हैं, इसीलिए इसको टस्कर भी बोला जाता है हाथी को, ध्यान रखना। जिसके दांत ऐसे निकले होते हैं वो दांत कौन से होते हैं? इंसीजर होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टस्कर भी बोलते हैं। एक जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे बढ़े। नेक्स्ट, आगे हमारा रदनक, वही जो बताया था, चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। ये जो हमारे कैनाइन टीथ होते हैं ये किसके काम में आते हैं? चीर फाड़। अभी मैंने डिस्कस किया था कि कैनाइन दांत जानवरों के बड़े होते हैं, है ना, देखो शेर के दांत ये कैनाइन है, बड़े दिख रहे हैं, क्योंकि इनका काम ही मांस खाना है, घास तो खाता नहीं है। वैसे शेर भी टाइगर भी घास खाता है, पता है,
जंगल में घास होती छोटी छोटी सी, अपने दांतों को साफ करने के लिए वो छोटी छोटी घास की कोपले होती मुलायम, उसको खाता है कभी कभी। ठीक है, जो बोलते हैं ना कि शेर कभी घास नहीं खाता, खाता है लेकिन दूसरे पर्पस के लिए खाता, पेट भरने के लिए नहीं खाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारे देखो, ये तुम्हारा उदबिलाव हो गया, या कुत्ते देखोगे तुम, है ना, भेड़िया देख लो, इन सबके आगे के दांत कैसे होते हैं, केनाइन वाले बहुत बड़े और शार्प होते क्योंकि मांसाहारी होते। ठीक है, इन दांतों का काम क्या होता है, चीड़ने फाड़ने के लिए। ठीक है, ये सबसे अधिक नुकीले होते हैं, बहुत पॉइंटर दांत होते हैं। भाई किसी चीज में घुसेगा तभी तो चीड़ेगा फाड़ेगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती, दो, दो नीचे दो ऊपर। ठीक है, यानी टोटल कितने होते हैं, चार होते हैं। मानव में जो केनाइन दांत होते हैं उनकी उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट कहती है, करती है। यानी ये दांत एक्चुअल में बने किस चीज के लिए होते हैं, मांस को खाने के लिए। अगर भोजन के तौर पे देखा जाए तो ये किसके लिए होते हैं, मांस को खाने के लिए होते हैं। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया। ठीक है, कैसे होते हैं मांसाहारी जानवरों में, बड़े होते हैं दांत। प्रीमोलर अग्रचवर्णक, यानी कि आगे से चबाने वाले जो दांत होते हैं आगे साइड के, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, ग्राइंडिंग का काम करते हैं, भोजन को पीस के एकदम क्या करने का काम, महीन करने का काम करते हैं, पीस करके। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, आठ होती है। और ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, वयस्क में पाए जाते हैं। ठीक है, चवर्णक की बात करें या भोजन को पीसने के साथ इसमें टाइलिन मिला देता है, लार मिला देता है। क्या मिला देता है, लार मिला देता है, सलाइवा बोलते हैं जिसको, हमारे शरीर में मुंह के अंदर लार होती है ना, लार बेसिकली क्यों मिलाता है ये दांत भोजन को पीसने के साथ, इसमें लार मिला देता ताकि भोजन हमारा कैसा हो, पचे अच्छे से, डाइजेस्ट हो बढ़िया से, है ना। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 12 होती है। इनको अक्कल दाढ़ इन्हीं का नाम बोलते हैं, बोलते हैं ना अवाढ़ निकल रही है, अक्कल दाढ़ निकल रही, साइड में होते पीछे साइड पे, जब ये निकलते हैं तो बड़ा तकलीफ होती है, स्वेलिंग आ जाती, दर्द भी होता है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत को दो प्रकार में बांटा गया। जो हमारे दांतों की बाहरी बनावट है बाहर की तरफ, उसको उसको कितने भाग में बांट दिया, दो भाग में, एक समदंती और एक विषमदंती, यानी होमोडोंट और हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जो दांत होते हैं तुम्हारे, ठीक है, वो बेसिकली स्तनधारी में पाए जाते हैं, ध्यान देना। ये जो हेट्रोडोंट है ये किसमें मिलते हैं, स्तनधारी में। स्तनधारी मतलब वो जीव जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, उनमें ये दांत पाए जाते हैं, कौन से, हेट्रोडोंट यानी कि विषमदंती। जैसे इंसान अपने बच्चों को दूध पिलाता है, और कौन है, बकरी है, गाय है, भैंस है ना, एक और फिश है, पानी के अंदर भी एक ऐसी मछली है जो अपने बच्चों को दूध पिलाती, बताओ कौन सी है, एक जीके का सवाल याद है, बताओ। हाँ, पानी के अंदर एक मछली पाई जाती है जो अपने बच्चों को क्या पिलाती है, वो अंडे नहीं देती, बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूध भी पिलाती है, मछली है, बताओ। दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है वो, व्हेल फिश का नाम सुना है, व्हेल फिश 30 हाथियों के बराबर उसका साइज होता है, ऐसे 30 हाथी खड़े कर दो उतनी बड़ी होती है, वजन भी लगभग उतना ही होता है। वो एक ऐसी मछली है जो मैमल में आती है, यानी स्तनधारी में आती है। ठीक है, फिर होमोडोंट जो होते हैं समदंती, ठीक है, इनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक प्रकार के होते हैं। जैसे सी एक्वेटिक एनिमल्स को देखोगे तुम, और व्हेल मछली को छोड़ दो तो बाकी मछलियां देखो, तो उनके सब के दांत एक ही आकार में ऐसे ऐसे कांटे की तरह होते हैं। मगरमच्छ को देखा है, उसके भी दांत ऐसे ही होते हैं। मछलियों को मुंह निकाल, पिराना मछली देखे होगे तुम लोगों ने मूवीज वगैरह में, या और भी मछलियों का मुंह खोलकर देखो तो ऐसे ही दांत दिखेंगे, भले ये बड़े छोटे होंगे लेकिन होंगे कैसे ही, केनाइन की तरह होंगे। समझ में आया, ठीक है। तो ये होमोडोंट और हेट्रोडोंट क्लियर हो गया। हेट्रोडोंट वो टीथ होते हैं जो स्तनधारी जीवों में पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। एक्वाटिक एनिमल की बात करें तो उसमें एक ऐसी मछली है जिसमें हेट्रोडोंट टीथ पाए जाते हैं, वो कौन सी है, व्हेल फिश है। बाकी जितनी मछलियां पाई जाती है उसमें कौन से पाए जाते हैं, होमोडोंट टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जीभ की बात कर ले। अब हमारे दांतों के साथ साथ हमारी टीथ के साथ साथ हमारी जीभ भी तो है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जीभ में अलग अलग पार्ट होते हैं। जीभ बेसिकली किस काम में आती है,
अलग अलग स्वाद के काम में लाई जाती है। किस काम के लिए? टेस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि जीभ के अंदर 2000 से लेके कितने टेस्ट बर्ड, कम से कम 2000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। कितने? 2000 से लेके लगभग 8000 के आसपास टेस्ट बर्ड्स होते हैं। तो जो सबसे आगे वाला टिप वाला हिस्सा होता है आपकी जीभ का, वो हिस्सा क्या किस काम में आता है? मीठे का एहसास कराता है। जो उसके ऊपर साइड वाले जो दो हिस्से होते हैं वो खट्टेपन का एहसास कराएंगे, उसके ऊपर वाले नमकीन का, और सबसे पीछे वाला बिटर यानी कि कड़वेपन का एहसास कराएंगे। कड़वा किसको किसको कड़वा अच्छा लगता है? कड़वा तो किसी को नहीं अच्छा लगता ना। कड़वा बोलना अच्छा नहीं लगता, कड़वा सुनना अच्छा नहीं लगता, तो कड़वा खाना कहाँ से अच्छा लगेगा, है ना? वो कहावत है ना, कौन सी कहावत बताई थी? द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट देयर फ्रूट्स आर स्वीट। शिक्षा की जड़ें बड़ी कड़वी होती हैं, बड़ी बेकार लगती है, पढ़ने का मन नहीं करता है, कौन पढ़े? लेकिन जो पढ़ ले जाता है तो क्या बोला लास्ट में? बट देयर फ्रूट्स आर स्वीट्स। लेकिन उसके जो फल निकलते हैं जब आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो फल बड़ा मीठा होता है। अच्छी सी नौकरी मिल जाती है, अच्छा सा घर होता है, अच्छी सी बीवी मिल जाती है, अच्छा सा हस्बैंड मिल जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है, लेकिन उसका जो फल होता है वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसलिए क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? या मांसपेशियों की बनी संरचना, हमारी जो टंग होती है, जीभ होती है, किसकी बनी होती है? मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मसल्स की, यानी मांसपेशियों की बनी होती है। ये एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का काम करता है। हल्का सा गर्म भी छू जाएगा तो जीभ अंदर चली जाती है, बहुत ठंडा भी छू जाएगा तो जीभ अंदर चली जाती है। एक संवेदी अंग होती है, ये स्वाद बताने का काम करती है, ठीक है? कितने टेस्ट बर्ड्स होते हैं? 2000 से लेके 8000 स्वाद कलिकाएं बोलते हैं इनको, टेस्ट बर्ड्स को। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं बोलते हैं, ठीक है? और जीभ के मध्य भाग में किसी प्रकार का स्वाद पता करने की क्षमता नहीं होती। जो बीच का हिस्सा होता है हमारी जीभ का, इसमें किसी प्रकार का टेस्ट, कोई स्वाद, कोई पहचान हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये स्वादहीन होती, यानी कि टेस्ट, ये हिस्सा जो होता है वो कैसा होता है? टेस्टलेस होता है। कैसा होता है? टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, ठीक है? अब हमारी जीभ में पैपिला एक पार्ट होता है। क्या होता है? पैपिला, पैपिलाई, पैपिलाई बोलते हैं इसको, पैपिला। क्या बोलते हैं? पैपिला, पैपिला। यहां पर देखो कि पीछे साइड के हिस्से में यहां पर पैपिलाज होते हैं, फिर ये पे गोल गोल दिख रहा है, ये पैपिलाज होते हैं, फिर आगे साइड पे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये पैपिलाज होते हैं, ठीक है? जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जिन्हें पैपिली कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं, चलो फटाफट जवाब देंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, व्यस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 32, वेरी गुड। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। सामान्यतः व्यस्क मनुष्य के चवर्णक यानी कि मोलर दांत कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना? हमारे मुंह के विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती कैसे? पहले कृंतक आते हैं, पहले क्या आते हैं? फिर रदनक। तो कहां कृंतक और रदनक एक साथ है? फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक। ए वाला सही हो जाएगा तुम्हारा। पहले आएगा कौन सा? कृंतक को क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। रदनक को क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाइन। अग्रचवर्ण को क्या बोलते हैं? प्रीमोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और चवर्ण को क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं, ठीक है? ये चार प्रकार के हमारे दांतों का सीक्वेंस होता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के जीवन में कितने दांत दो बार निकलते हैं, बताओ? 20 ऐसे दांत हैं तो जो दो बार निकलते हैं वो कौन से दांत कहलाते हैं? मिल्की टीथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिल्की टीथ कहलाते हैं, मिल्की टीथ, ठीक है? एक व्यस्क मानव के पास कितने रदनक यानी कितने कैनाइन दांत होते हैं? 8 होते हैं, 4 नीचे, 4 होते हैं कैनाइन दांत, 2 नीचे, 2 ऊपर, 4 होते हैं, ठीक है? तो ये था हमारा टीथ का हिस्सा, इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो कितने टोटल दांत होते हैं हमारे? एक व्यस्क आदमी के अंदर 32 होते हैं, जिसमें से दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। दूध टोटल पूरे जीवन काल में कितनी बार दांत कितने निकलते हैं दांत हमारे? 52 निकलते हैं, ठीक है? समझ में आ गई इतनी चीज? कोई डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।